नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। वैसे चर्चा कई तरह के मुद्दों की होती है, कभी मुद्दा गरीबी का होता है, कभी बेरोजगारी का होता है, कभी अर्थव्यवस्था का होता है तो कभी सुरक्षा का होता है, कभी आबादी का होता है तो कभी किसानों का होता है, कभी कृषि का होता है तो कभी धार्मिक मुद्दा होता है। तमाम तरह के मुद्दे चलते रहते हैं और सरगर्मियाँ चलती रहती हैं, पर इसके अलावा भी तमाम तरह के मुद्दे ऐसे जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे मोबाइल की मुद्दा हो गया, चाहे वो प्रजनन का मुद्दा हो गया, चाहे आपका योग का मुद्दा हो गया, चाहे विकास का मुद्दा हो गया और चाहे जनसंख्या का मुद्दा हो गया। जी हाँ, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है जनसंख्या का। अब उन्होंने हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और जनसंख्या के हिसाब से देश का जो विकास है वो भी निर्भर करता है। निर्भर क्यों करता है कि जब आपकी देश की जनसंख्या 60% युवा होगी तो निश्चित रूप से आपका विकास ही बेहतर होगा, देश प्रगति भी बेहतर करेगा। पर जब देश की जनसंख्या 60% बुजुर्गों की होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर समस्याएं आएंगी और कारण चिंता के भी रहेंगे। पर साथ ही साथ जब जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाती है तो देश में तमाम तरह की समस्या भी शुरू हो जाती है, चाहे पर्यावरण की सौंदर्य की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे अनाज की बात हो, चाहे संसाधनों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, तमाम तरह की चिंताएं बढ़ जाती है और समस्या लगातार बढ़ती चली जाती है। और इन चिंताओं का निराकरण के लिए तमाम तरह के योजना बनाई जाती है, कार्ययोजना बनाई जाती है, पर उन कार्ययोजनाओं का निस्तारण, उन कार्ययोजनाओं की समीक्षा भी समय पर होना जरूरी है। आज जो हमारा मुद्दा है वो विश्व जनसंख्या दिवस है और विश्व जनसंख्या दिवस पर जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, और अगर शुरुआत की बात करें तो 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पर शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि हर बात की वजह होती है, एक कारण होता है। इसका कारण ये था कि 1987 में जो पूरे विश्व की जनसंख्या वो लगभग 5 अरब हो गई थी और 5 अरब जनसंख्या होने के चलते जब परेशानी शुरू हुई तब जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ है उसने कुछ सोचा कि क्या किया जाए। और फिर जो संयुक्त राष्ट्र की जो विकास कार्यक्रम की जो UNDP काउंसिल है, जो गवर्निंग काउंसिल है, उसने एक विचार किया। उसने कहा कि हम 11 जुलाई से जनसंख्या दिवस मनाएंगे। ये फैसला किया और ये घोषणा की, क्योंकि जनसंख्या दिवस मनाने का केवल और केवल एक उद्देश्य था कि इस दिन लोगों को जागरूक किया जाए, इस दिन लोगों को बताया जाए कि जब बढ़ती जनसंख्या आपके लिए समस्या है, बढ़ती जनसंख्या आपके लिए संसाधनों की कमी को लाएगी, बढ़ती जनसंख्या आपकी समस्याओं को पैदा करेगी और साथ ही साथ जब आपकी आबादी बढ़ती रहेगी, संसाधन उतने कम रहेंगे, पृथ्वी का घनत्व तो बढ़ना नहीं है, क्षेत्रफल तो बढ़ना नहीं है, जिस देश का क्षेत्रफल जितना है उतना ही रहेगा, पर जब क्षेत्रफल कम होगा और जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तब दिक्कतें आएंगी। और इसी दिक्कतों के चलते लगातार कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून, और ऐसी ही एक कानून की आवश्यकता भारत में भी। हालांकि देश में जो विश्व जनसंख्या दिवस का सुझाव की बात करें, इसकी शुरुआत डॉक्टर केसी जकरियाय ने की थी, और मैंने आपको ये बताया कि 1987 में विश्व की आबादी जब 5 अरब पहुंच गई थी तब UN ने, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसकी चिंता जताई थी और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की बात सुनी। इसके बाद लगातार जनसंख्या दिवस मनाता जाता रहा और तमाम तरह की थीम हर साल होती रही। अगर हम विश्व जनसंख्या 2022 की बात करें तो इसकी थीम है 8 अरब लोगों की दुनिया, जिसके लिए सभी के लिए रोजगार, सभी के लिए व्यवस्थाएं, सभी के लिए संसाधन। और जिस तरह से देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, विश्व की आबादी लगातार बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व में 8 अरब आबादी होना समस्या एक स्वयं में आती है। और सबसे रोमांचक बात, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि विश्व की आधी आबादी वो एशियाई देशों में है, यानी जो एशियाई देश है, भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, यानी इनमें विश्व की आधी आबादी है और बाकी आबादी पूरे विश्व में, यानी आधी आबादी हमारे जो एशियाई देश है वो पूरी कर रहे हैं। और एशियाई देश की एक
और पटकथा ये भी है कि एशिया के दो देश, तीन देश बोल लेते हैं हम, दो के तीन बोल सकते हैं, एशिया के तीन देश ऐसे हैं जो विश्व की आबादियों में टॉप फाइव में है, यानी पांच जो देश हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है उसमें एशिया के तीन देश हैं। बात बताते हैं, तो पहली आबादी की बात करेंगे तो पहली आबादी बोला भला चीन की है जो पहले नंबर पर है, और चीन की आबादी 1.44 यानी 1,44,00,000,000 से ऊपर की आबादी, ये चीन की आबादी है। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे हमारा देश यानी भारत, और भारत की आबादी 1,40,00,000,000 के लगभग है। हालांकि बात जरूर बोली जाती है 125 करोड़, वो 125-125 करोड़ नहीं है, वो अब 140 करोड़ हो चुका है सही मायनों में, जो वर्ल्ड मीटर बता रहा है कि जनसंख्या हमारा लास्ट जो अंतिम बार जनसंख्या जो गिनी गई थी वो 2011 में गई थी, तब से जनसंख्या का वो अनुपात नहीं देखा गया, ना उसके लिए कोई जनसंख्या की जानकारी ली गई, ना उसके लिए कोई व्यवस्था की गई, पर जनगणना 2011 के अनुसार जो वर्ल्ड मीटर चल रहा है उसके मुताबिक भारत की आबादी 1,40,00,000,000 के लगभग हो गई। और जो तीसरे नंबर पर आती है वो आता है अमेरिका, जिसकी आबादी मात्र 33,44,00,000 के लगभग है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति और आबादी 33 करोड़ के लगभग, आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही है, जिस तरह से वहां पर कानून है, जिस तरह से वहां पर लोगों ने स्वयं अपने ऊपर अंकुश लगा रखा है, खुद स्वयं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते रहते, ये बहुत सकारात्मक बात है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आते हैं इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पर पाकिस्तान, यानी जो विश्व के पांच बड़े आबादी वाले देश हैं उनमें भारत, चीन और पाकिस्तान, तीन एशियाई देश हैं। और जब जो मैंने अभी बात बताई आपको कि आधी आबादी एशियाई देशों में है, तो वो इस बार से इस जो तालिका है जनसंख्या की, इससे बहुत कुछ साफ हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी आबादी को लेकर बड़ा प्रयोग करता रहा है। अगर आबादी की बात करें तो चीन में पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वहां पड़ोसी देश चीन है, वन चाइल्ड पॉलिसी थी और एक बच्चा को करने के ही वहां पर इजाजत थी, यहां तक कि पहले बर्थ यानी बच्चा पैदा करने के लिए और उसकी उत्पत्ति करने के लिए भी वहां पर इजाजत लेनी पड़ती थी, बर्थ पॉलिसी वहां लागू थी, इजाजत लेंगे उसके बाद फिर आप आगे चीज पढ़ाएंगे, बर्थ पॉलिसी लागू थी और बर्थ पॉलिसी लागू होने के बाद फिर वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी चली 1979 में, और चलते चलते ये कानून लगातार, मेरे ख्याल अनुमानन सूत्रों के अनुसार ये लगातार चलता रहा और 37 से 38 साल ये कानून चला। उसके बाद 2016 में ये कानून हटा और चीन में पॉलिसी लाई गई दो बच्चों की, टू चाइल्ड पॉलिसी, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी फिर टू चाइल्ड पॉलिसी। कहा जाता रहा कि चीन में लगातार जो जनसंख्या है वो बुजुर्गों की होती जा रही थी, बच्चों की जनसंख्या कम हो रही थी, युवाओं का जो आंकड़ा था वो कम हो गया था, युवाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और जो बुजुर्ग थे उनका आंकड़ा इस जगह पर सीमित हो गया था और लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि यहां पर जब युवाओं का अनुपात कम होगा तो बुजुर्ग अनुपात बढ़ेगा, और बुजुर्ग अनुपात जब बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी। और 2016 तक ये दिक्कत देखी गई कि चीन में आधी आबादी 65% बुजुर्गों की थी, और जब चीन इससे परेशान हुआ तो चीन ने 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, यानी हम दो हमारे दो, ये पॉलिसी लाई गई। इसके बाद फिर देखा गया कि चीन में लगातार इस पर आंकड़े देखे गए, अनुपात देखा गया, और फिर ये देखा गया कि अगर हम टू चाइल्ड पॉलिसी पर चलेंगे तो दिक्कतें और आएंगी और बुजुर्गों का अनुपात भी लगातार बढ़ता जाएगा, तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आबादी को मेंटेन नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे और अनुपात को कंट्रोल नहीं करके, यहाँ पर अब आबादी को कंट्रोल करने की बात नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर अनुपात को कंट्रोल करने की बात आ रही थी, अनुपात को कैसे नियंत्रण किया जाए, और चीन ने इस पर नियंत्रण करते हुए 2021 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी घोषित कर दी कि अब आप तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं। चीन को डर था कि जो तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत की आबादी
बढ़ती जा रही है और युवाओं की जो एक आंकड़े के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 2030 तक भारत में 60% आबादी युवाओं की होगी और ये चीन के लिए घटने की घंटी थी और चीन ने इस बात को सबक लेते हुए अनुपात बढ़ाने के लिए 3 बच्चे की पॉलिसी 2021 में लागू कर दी। वो चीन जो 1989 से एक चाइल्ड पॉलिसी पर चलता आ रहा था, 37 साल एक चाइल्ड पॉलिसी पर चला, उसके बाद फिर चेंज की गई, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। ये चीन की बात है। अमेरिका में कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, पर वहां के लोगों को बताया गया है कि जिस अगर आप बेहतर तरीके से परिवार नियोजन अपनाएंगे और बेहतर तरीके से आप कंट्रोल को, आबादी कंट्रोल करने में सरकार का सहयोग देंगे, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी सहायता है वो आपको मिलती रहेगी। तो भाई चीन अब आबादी बढ़ाने के लिए प्रयास में है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बुजुर्गों का अनुपात ज़्यादा रहेगा, युवाओं का अनुपात कम हो जाएगा और जब युवाओं का अनुपात कम होगा तो भारत से हम पिछड़ जाएंगे। ये डर विश्व महाशक्ति की ओर बढ़ने वाला चीन अब इस डर के कारण 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर चुका है और यहाँ तक कि चीन का एक प्रांत है जिलिन पर अब कपल्स को परिवार बढ़ाने के लिए 23 लाख रुपए की सहायता भी दी जा रही है। 2 लाख युआन यानी भारतीय मुद्रा में 23 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है कि 23 लाख रुपए का अनुदान आपको मिलेगा, आप अपने परिवार को बढ़ाइए। ये व्यवस्था ऐसी है, इसलिए व्यवस्था लगी गई है क्योंकि चीन को लग रहा है कि अगर आबादी नहीं बढ़ेगी तो हमारी देश में 2050 में बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा होगी और युवाओं की आबादी कम होगी। तो चीन का एक प्रांत ने यह भी चल रहा है। उसके साथ अब जो बात आती है वो आती है हमारे देश की। हमारे देश में तमाम तरह के कानून हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून की लगातार बात चल रही है। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मेरठ में एक पदयात्रा भी निकाली थी, उनके साथ सांसद भी थे, उस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही थी और लगातार हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात हो रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, भारत में संसाधन कम हो रहे हैं और साथ ही साथ जन्म ले रही है तमाम तरह की समस्याएं, क्योंकि अनुमान के मुताबिक भारत में हर मिनट 25 बच्चे पैदा होते हैं और अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले 10 साल में भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। अगर दशकों की बात करें तो 1970 के दशक में हर महिला के औसतन 4 से 5 बच्चे होते थे और जब ये दशक 1990 में आएंगे तो अब 4 हुए, 2000 में आएंगे तब 3 हुए और अभी औसतन लगभग 2 से 3 बच्चे भारत में एक महिला के होते हैं परिवार में। पर यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर समानुपात नहीं चल रहा है। समानुपात यानी एक वर्ग है जो लगातार बच्चे पैदा कर, दूसरा वर्ग है वो एक बच्चे में संतुष्ट है और यही अनुपात सुधारने के लिए अब भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। हालांकि भारत के 9 से 10 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू है पर यह पॉलिसी केवल नाम के लिए है। असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में ये पॉलिसी लागू है और बिहार में, और ये लागू पॉलिसी में ये कहा गया है कि जिसके भी 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे वो पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई मतलब नहीं, कोई इसका लाभ नहीं होने वाला है। अगर आपको चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी है तो सारी व्यवस्थाओं पर लागू करिए, उस पर आप कठोर कदम भी उठाइए, कठोर दंड भी दीजिए और साथ ही साथ यही बताइए कि आपको कोई भी सरकारी जो अनुदान है वो नहीं मिलेगा, आपको सरकारी मकान नहीं मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी, तमाम तरह की आप बंदिश लगानी पड़ेगी और तभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की उपयोगिता साबित हो पाएगी। केवल 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी राज्यों में लगाने से काम नहीं चलने वाला कि नगर पंचायत में चुनाव में रोक लगा दी, नगर पालिका चुनाव में रोक लगा दी, पर यह रोक केवल स्थानीय चुनावों में नहीं, ये रोक विधानसभा चुनाव में लगनी चाहिए, ये रोक लोकसभा चुनाव में लगनी चाहिए, ये रोक सभी बड़े चुनावों में लगनी चाहिए। साथ ही साथ इस कानून के तहत तमाम तरह के सरकारी अनुदानों से उन लोगों को वंचित कर देना चाहिए जिनके पास 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि कानून आपको लाना बहुत आवश्यक है, कानून लचीला नहीं होना चाहिए। जब कानून लचीला होता है तो कानून के दायरे से लोग बाहर हो जाते हैं और
यहाँ पर कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हुए आप देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए आवश्यक है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का विकास बेहतर हो, हमारे देश में अनुपात बेहतर हो, हमारे देश में आने वाले समय में बुजुर्गों का, बच्चों का, युवाओं का अनुपात समानुपात बेहतर हो, पुरुष महिलाओं का समानुपात बेहतर, उसके लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करना पड़ेगा, और उस काम करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, और ये कानून राज्यव्यापी नहीं होना चाहिए, ये कानून देशव्यापी होना चाहिए, और देश का संविधान ये कानून बनाए और संसद से ये कानून पास हो कि अगर कोई किसी के दो बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसको सारे सरकारी अनुदानों से वंचित किया जाए, क्योंकि जो चाइल्ड पॉलिसी है वो 9 से 10 राज्यों में लागू है, पर वहाँ पर मामला वही है ढाक के 3 पात, क्योंकि वहाँ पर नगर पंचायत और नगर पालिका में चुनाव में लड़ने से रोका जाता है, जो कि नाकाफी है। हमारे देश में लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने की मांग चल रही है, और तमाम तरह के संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, पर साथ ही साथ तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के समुदाय इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इनको समझना होगा कि अगर हमारे देश का विकास चाहते हैं, हमारे देश में संसाधनों का सबका अधिकार चाहते हैं, हमारे देश में सबको समान अधिकार मिले, हमारे देश में समान शिक्षा मिले, समान स्वास्थ्य मिले, और सारे लोग देश की विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो अनुपात है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसके हिसाब से आने वाले समय 10 सालों में हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश हो जाएंगे, पर उस समय हमारा क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, हमारे संसाधन भी उतने रहेंगे, हमारी व्यवस्थाएं भी उतनी रहेंगी, तो उतनी जनसंख्या का कैसे पालन पोषण हो सकेगा, ये अपने आप में एक अच्छे प्रश्न है, और इस अच्छे प्रश्न का एक ही समाधान है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, क्योंकि अब इस कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में युवाओं की आबादी लगातार बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो हमारे आंकड़े हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की आबादी लगातार चीन के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, और तेजी से बढ़ने वाली आबादी आने वाले समय में हमारे देश में आंतरिक युद्ध की स्थिति ला सकती है, समस्याओं के लिए, अधिकारों के लिए और संसाधनों के लिए, तो वो स्थिति ना पाए, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, समान व्यवस्था मिले, समान संसाधन मिले, इस कानून का बनना बहुत आवश्यक है। अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि देश की सरकार इस पर गहन मंथना करते हुए और सभी लोगों के विचार को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर एक आवश्यकता ये भी है कि सभी वर्गों को बुला के, सभी बुद्धिजीवियों को बुला के चर्चा की जाए और एक समायोजित तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया जाए, जिससे सभी वर्गों को कोई दिक्कत ना हो, सभी धर्मों को कोई दिक्कत ना हो, और सभी लोग इसके दायरे में आके अपनी जिंदगी का निर्वाह करें। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।